जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में नेहरू युवा केंद्र से संबंधित बैठक ली गई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि नेहरू युवा केंद्र गांव-गांव तक पहुंचे, जहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए संदेश पहुंचाए। इस अवसर पर युवा केंद्र के समन्वयक आदि पदाधिकारी मौजूद थे। अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ के बैनर तले शाहपुरा में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राजस्थान के करौली में पुजारी के साथ हुई दर्दनाक घटना के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने वे अन्य आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने तथा भीलवाड़ा जिले के पारोली थाना क्षेत्र के देवखेड़ा में पुजारी परिवार को मंदिर से बाहर खींचकर कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसको लेकर शाहपुरा एसडीएम शिल्पा सिंह को व एडिशनल एसपी शाहपुरा को ज्ञापन देकर चेतावनी दी कि 7 दिन के भीतर जल्द से जल्द आरोपियों को हिरासत में लेकर उचित कार्यवाही करे, नहीं तो पुजारी समाज महासंघ आंदोलन पर उतारू होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन में अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ के तहसील अध्यक्ष राजेंद्र निमावत, मीडिया प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष किशन वैष्णव, धनराज दिवाकर, वरिष्ठ पुजारी मिश्री दास, शाहपुरा वैष्णव समाज अध्यक्ष योगेंद्र कुमार, वीरेंद्र पत्रिया, नरेश व्यास आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिलवाड़ा के द्वारा जिला सह संयोजक विक्रम सिंह कानावत के नेतृत्व में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें करौली जिले के बुकना गांव में हुए पुजारी हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। धवल कुमार शर्मा ने बताया कि 7 अक्टूबर को करौली जिले के बुकना गांव में मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को आपराधिक प्रवृत्ति के 8 लोगों ने मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को 5 दिन बीत जाने के बाद भी 8 में से केवल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 6 आरोपी फरार है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। इस दौरान छात्रा संघ अध्यक्ष सीमा जांगिड, SFS प्रांत सह संयोजक हर्षित शर्मा, जिला छात्रा प्रमुख रिया चिंगर, नगर सह मंत्री विशाल लालवानी, हर्षित ओझा, युवराज सिंह राठौर, दीपक शर्मा, फाल्गुन प्रजापति, बहादुर सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद धाबई के जन्मदिवस के अवसर पर भीलवाड़ा युवा जिला अध्यक्ष रितेश गुर्जर के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवा जिला अध्यक्ष रितेश गुर्जर ने बताया कि सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद धाबई को जन्मदिन की बधाई देते हुए ईश्वर से उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उनसे केक कटवाया गया। उसके पश्चात उनके हाथों से गायों को गोघास, सुखाड़िया सर्किल पर बच्चों एवं जरूरतमंदों को फल वितरण के पश्चात नीम के पेड़ लगाए गए। इस दौरान नवल गुर्जर, जितेंद्र गुर्जर, रामलाल गुर्जर, हेमंत गुर्जर, ओम प्रकाश गुर्जर आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। रविवार को ग्यारसी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय डूंगरमल लोरवाड़िया के 9वीं पुण्यतिथि एवं पुरुषोत्तम माह के उपलक्ष्य पर लोरवाड़िया परिवार के द्वारा बड़, पीपल, नीम वृक्षरोपण एवं 3 दिवसीय रोग प्रतिरोधक क्षमता काढ़ा वितरण कार्यक्रम पंचायत भवन कोली समाज पुलिया के पास पंचमुखी रोड भीलवाड़ा पर किया गया। इस अवसर पर रामलाल तलायक, हेमचंद सुनारिया, शंकरलाल, देवीलाल, नारायण लाल आर्यन, छोटू सोनू, बाबूलाल, सेवंतीलाल, नरेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे। मुरलीधर लोरवाड़िया ने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक काढ़ा वितरण 13 अक्टूबर तक सुबह 7 से 7:30 बजे तक चलेगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जॉइंट ग्रुप ऑफ उमंग की अध्यक्ष ललिता विजयवर्गीय ने पूर्व सभापति मंजू पोखरणा के सानिध्य में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि समाज में लोगों के प्रति अवेयरनेस लाना। कार्यक्रम में सुशीला पाराशर, प्रभा जैन, साधना खंडेलवाल, अनीता सोमानी, सुधा जागेटिया, रमा उपाध्याय एवं शांता लड्ढा उपस्थित थी। सचिव राजेंद्र राठी ने सभी का आभार व्यक्त किया। वी क्लब गौरव भीलवाड़ा अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा ने बताया कि पूर्व सभापति मंजू पोखरणा के सानिध्य में सचिव ललिता विजयवर्गीय ने जिला स्तर पर 3 मनोरंजक वीडियो एवं कोलाज प्रतियोगिताएं करवाई। यह प्रतियोगिता ऑनलाइन करवाई गई। वीडियो में आकर्षक फोटोज का कलेक्शन था। कुल 30 प्रतियोगियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें से 9 विजेताओं को चुना गया। अनिता मेहता, वीना सिंह वी, रेखा टोशी, सुमन माथुर, संतोष जैन, रितु जिंदल, प्रभा विजय, सुधा भंडारी, शकुंतला गोलेछा विजेता रही।